इस न्यूज के प्रायोजक है स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय फलासिया। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ, जहां कम शुल्क में गुणवत्ता युक्त शिक्षण ही एक मूल मंत्र है। तहसील मुख्यालय का 29 वर्षों से सेवा दे रहा एकमात्र विद्यालय, जहां पर कृषि विज्ञान संकाय कला संकाय, जहां हर वर्ष जिला स्तरीय पर शत प्रतिशत परिणाम देने के साथ ही सत्र 2024 में कक्षा 10th और 12th का बोर्ड परीक्षा परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहा है। एक नजर में देखें, संपूर्ण सुविधाओं से सुसज्जित शांत वातावरण व अनुभवी अध्यापकों सहित पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे में कैद एवं छोटे बच्चों के लिए घर जैसा वातावरण सहित दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध है। अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व एक बार यहां पर विजिट अवश्य करें, संपर्क करें उमेश पुरी गोस्वामी, मोबाइल नंबर 7568787301। उदयपुर जिले के पानरवा थाना क्षेत्र में कुपड़ा गांव में व्यक्ति गुमशुदा के मामले में मर्डर का खुलासा, तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक नाबालिग को डिटेन किया। पानरवा थाना अधिकारी अंकित तामरिया ने बताया कि दिनांक 15 जून 2024 थाने में मामला दर्ज हुआ, जिसमें मृतक की पत्नी बताए कि वह उसके पति दोनों पीहर में शादी में गए और पति वापस घर आ गए, और पत्नी शाम को घर पर पहुंची तो पता चला कि उसके पति घर पर नहीं आए। आसपास तलाश करने पर उसे पता नहीं चलने पर उनकी जानकारी थाने में आकर दी। इस पर पुलिस मामले की जांच के लिए तलाश कर मृतक की लाश कुपड़ा गांव में एक कुएं में मिली। मृतक के लाश की जांच करने पर पुलिस को मृतक की हत्या होने की संभावना पाई गई। इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और टीम गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की, जिस पर अंतिम बार मृतक कुपड़ा गांव में शादी में आरोपी विकेश पिता मंजी डामोर निवासी कुपड़ा के साथ देखा, जिस पर शक जाहिर करते हुए संदिग्ध से पूछताछ करने पर अलग अलग बातें बताने पर पुलिस को शक हुआ और संदिग्ध को मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर आरोपी ने उसके साथी के साथ से मिलकर मृतक के साथ कुकर्म करना कबूल किया और अपने कृत्य को छुपाने के लिए मृतक को गहरे कुएं के पास ले जाकर धक्का दे दिया, हत्या स्वीकार की, जिस पर आरोपी को विकेश के साथी राकेश पिता धर्मा खराड़ी अर्जुन उर्फ अजय मकना निनामा व एक नाबालिग युवक भी हत्या व कुकर्म में सम्मिलित था। पुलिस तीनों आरोपी को गिरफ्तार किए वह नाबालिग को डिटेन कर उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की, जिसमें सामने आया कि शादी में डांस करने के बाद मृतक को आरोपी विकेश घर के पीछे खेत पर ले जाकर उसके साथ कुकर्म कर कृत्य को छुपाने के लिए कुएं के पास ले जाकर उसके साथ मारपीट कर कुएं में गिरा दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया व नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया।